नमस्कार दोस्तों, सुपर एलेक्स, कैसे हैं आप सभी? जय अरविंद, जय धनवंतरी। दोस्तों, जैसे कि आप पिछले जितने वीडियो हैं उसमें आपने टेस्टिमोनियल के बारे में देखा, T20 के बारे में देखा, वाइटल एक्स हॉस्पिटल के बारे में देखा, और आपने देखा कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं पेशेंट को, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से कैसे ठीक करते हैं पेशेंट। बार बार किसी भी सर्जरी के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए इधर उधर घूमते हैं, फिर हमसे जब भी कॉन्टेक्ट करते हैं हम एक आयुर्वेद से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको अच्छा उपचार देते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक अच्छे ट्रीटमेंट के जो टेस्टिमोनियल आते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मेरे साथ पेशेंट हैं, आपका क्या नाम है? सुमन, सुमन यादव। सुमन यादव कनीना या रेवाड़ी से हैं, और मैं कुछ दिनों पहले जब से अपना रेवाड़ी में एक मीटिंग थी मैं उसमें गया हुआ, तो ये मेरे को उस टाइम पे वहाँ पे मिले थे हम, हैं कनीना में, कनीना में हम मिले। उस टाइम पे मैडम ने बताया कि सर मैं इस बीमारी से तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैडम ऐसा क्या हुआ? तो बोले मेरे तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और डॉक्टरों ने तो क्या बताया, ऑपरेशन का बोला है, और पैर भी पतले पड़ने पर हो चुके थे। मजे की बात है, क्या पैर पतले हो रहे थे? कितने इंच हो गए थे? 16 पैर यानी राइट साइड वाला पैर तो 1.5 इंच और लेफ्ट वाला 1 इंच पतला हो गया था। उसके बाद में आपने कहाँ कहाँ दिखाया, कितने हॉस्पिटल में? रेवाड़ी में दिखाया। कोई दवाई आपके असर नहीं करेगी, सर्जरी कराने के लिए। उसके बाद में? उसके बाद मैं देसीला चला, उससे कुछ आराम मिला, फिर दोबारा वजन उठाने के वजह से दोबारा फिर आ गई। दोबारा वजन उठाने वैसे मैंने रिपोर्ट अपनी ऑल इंडिया हॉस्पिटल में भेजी थी, वहां से ये ऑप्शन आया था ऑपरेशन का। तो बार-बार जब भी किसी भी हॉस्पिटल में रिपोर्ट भेज रहे थे तो उन्होंने सभी जो भी मेडिसिन या जो भी डॉक्टर थे वो सजेस्ट कर रहे थे कि आप सर्जरी की ओर जाएं, फिर आप हमसे मिले। तो मैंने आपको क्या कहा? आपने कहा कि सर्जरी की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, थेरेपी से ठीक हो जाएगा। अब थेरेपी आपने कितने दिन करवाई? आज सातवां दिन। सात दिन में आपको क्या क्या फर्क लगता है? पैर सुने होते थे वो बिल्कुल कम हो चुके हैं, चलने में प्रॉब्लम होती थी, इतनी नहीं होती, चलने में प्रॉब्लम भी इतनी नहीं होती। और पैर भी आपने बताया था कितने? तो एक इंच हो गया। मतलब जो पैर पतले पड़ रहे थे वो राइट वाला पैर तो 1 इंच अभी बढ़ भी चुका है, सिर्फ उधर वाला पैर तो बराबर हो गया जो पहले था वो। और कमर में दर्द? अभी कमर में दर्द भी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप आयुर्वेद की ताकत, ये सिर्फ और सिर्फ जो एक अच्छा स्टाफ है वो ही कर पाता है। और आज मैं जो इनकी थेरेपी जो करते थे मैं उन स्टाफ को भी आपसे मिलवा देता हूँ। तो क्योंकि दोस्तों जितनी भी थेरेपी है एक डॉक्टर है वो एक सजेस्ट कर सकता है, अच्छा लिख सकता है, लेकिन जो ये प्रोसेस जो जिन्होंने किए हैं, हमारे साथ प्रियंका है और बबीता है, तो इन्होंने इनका अच्छा ट्रीटमेंट किया। तो आप यही करते हैं ट्रीटमेंट, कैसा लगा इनका ट्रीटमेंट करना आपको? बहुत अच्छा व्यवहार इनका, या प्रियंका दीदी का व्यवहार बहुत अच्छा है, ये अपने घर की तरह बहन समझकर दोस्तों देख रहे हैं। हमेशा आपने ये सुना हुआ कि पेशेंट के साथ आप रिलेशन मत बनाओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ अगर आप पेशेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाओगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा। बहन समझ के ट्रीटमेंट कर रही थी तो इनको भी ये लगा कि बहन को तो ठीक करेगी, और उसी का आज रिजल्ट है, आप चल पा रहे हैं आराम से, पैर भी सही हो गए। तो आपके जैसे ऐसे कोई भी पेशेंट हो ऑल इंडिया में अपनी वीडियो जो भी जितने भी लोग देखें, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? थेरेपी ले, पक्का कन्फर्म? तो दोस्तों देख रहे हैं आप, इन्होंने भी यही सजेशन किया कि आप थेरेपी ले। तो अगर आप भी कमर दर्द के दर्द से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, बार बार आप दिखा चुके हैं, आपको बस एक ही सवाल मिलता है सर्जरी करो, जब भी आपको L2, L3, L4, L5 उसमें चाहे आपको डिस्क ब्लेस मिले या डिस्क डीलोकेशन मिले, उसी टाइम पे आपको एक ही चीज़ सजेस्ट होती है कि आप सर्जरी करवाइए। लेकिन आप रुके, आप सर्जरी ना करवाएं, आप एक बार पंचकर्म को अपना के देखें, एक बार आप आयुर्वेद को अपना के देखें, क्योंकि पंचकर्म में बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे इसके लिए कटी बस्ती होती, क्या क्या प्रोसेस आप करते थे? साथ हमने न्यूरोथेरेपी भी इनको दिया था। उसके अलावा हमने फिजियोथेरेपी भी किया, और लास्ट वाले दिन हमने इनको ब्लड कपिंग भी किया था। तो ब्लड कपिंग के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। उसके बाद हमने ब्लड कपिंग भी किया। तो ये टोटल मिला के जो जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताई, ये सब प्रोसेस हम पेशेंट को करते हैं। और हमारे नॉमिनल चार्ज हैं, पर डे का क्या चार्ज लिया आपसे? 3,000 रुपये।
तो देख रहे हैं दोस्तों आप, 3,000 रुपए में हम पेशेंट को रहना, खाना, सारे ट्रीटमेंट, सब सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इंडिया में आपको ऐसा सेटअप शायद कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी पेशेंट आपके पास अगर हैं या आप खुद देख रहे हैं या जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर की, आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं या उनसे हॉस्पिटल के बारे में पूछ सकते हैं, उनसे इन प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं। जितने प्रोसेस मैंने बताए यही आपके ऑपरेशन को निजात दिला सकते हैं। ये प्रोसेस आपने करवा लिया, डेफिनेटली आपको ऑपरेशन करवाने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं होगी। बस आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है। सावधानियां क्या बरतनी है? अगर आप कमर दर्द से बिल्कुल परेशान रहते हैं तो आप वजन नहीं उठाएं, एक्सरसाइज बहुत हल्की एक्सरसाइज करें, यही मैंने आपको मोटिव बताई थी, एक्सरसाइज हमेशा क्या करनी है, धीरे करनी है। उसके अलावा वजन नहीं उठाते बहुत से पेशेंट, क्या करते हैं कुछ दिनों तक यहाँ थेरेपी लेते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर पता है वो घर जाके क्या करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि आज मैं 30-40 किलो वजन उठा के देखूँ, क्या पता मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उस टाइम पर फिर वो वापस वही कंडीशन, पहले जो डिस्क की उनकी कंडीशन थी वही वापस ले आते हैं, या फिर वो ब्रेकर पे या ऐसी चीज़ों पे जो ट्रेवलिंग है वो ज़्यादा करते हैं, या बैठने का जो अपना पोस्चर है उसको भी चेंज नहीं करते। ये सब चीज़ें जो कमर दर्द को पैदा कर रही थी उनको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद ये कहते हैं कि निदान परिवर्तन, कोई भी चिकित्सा या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं उसमें निदान परिवर्तन बहुत जरूरी है। निदान परिवर्तन क्या है? जिससे ही जो रोग आपको बना है, जिससे वो रोग हुआ है आपको, उन कारणों को आपको छोड़ना पड़ेगा, निदानों को आपका परिवर्तन करना पड़ेगा, उनको आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप निदानों को नहीं त्यागेंगे तो डेफिनेटली आप फिर उसी कंडीशन में वापस आ जाएंगे जिस कंडीशन में आप पहले थे। तो अगर आप बार बार इस दर्द से परेशान हैं, इस कमर दर्द से परेशान हैं, तो आज का टेस्टिमोनियल मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो एक और पेशेंट की, मैं सेम इसी डिजीज के पेशेंट की आपके साथ लेने वाला हूं। आज उनका दूसरा दिन है और मैं कल या परसों में आपको जब भी उनका नेक्स्ट वीडियो है वो उनका है, वो पेशेंट भी बिहार से है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जयपुर में कितने दूर दूर से पेशेंट आ गए हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मैडम रेवाड़ी से, हरियाणा से हैं, वो बिहार से हैं, झारखंड से हैं, मतलब दो दो तीन तीन स्टेट के पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं और उनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पेशेंट भी ठीक हो और उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तो आप उनको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, आप उनको हॉस्पिटल के बारे में बता सकते हैं और आप ये वीडियो भी उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं या अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे कोई भी पेशेंट है उसको सर्जरी ना करवानी पड़े, वो आयुर्वेद का एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए आपको सुपरलेक्स, थैंक यू।